press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर शहर में कटी घाटी से एक छात्र को किडनैप कर हत्या के बाद उसकी लाश पहाड़ी पर ले जाकर जला दी गई। जिले के रैणी क्षेत्र के गांव अहिरबास के पास युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंकने का मामला भी सामने आया था। इस प्रकरण में पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपियों ने एक और हत्या का राज खोला है। रैनी पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी सुनील यादव और सुनील मीणा ने अलवर के अरावली थाना क्षेत्र में एक छात्र की हत्या कबूली है। थाना प्रभारी बनवारी लाल ने बताया कि आरोपियों ने पिछले साल 7 जनवरी को अलवर के छात्र हरिहर मीणा का कटी घाटी से अपहरण किया था। इसके बाद उमरैन की पहाड़ियों पर करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर चाकू से हत्या करने के बाद शव पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। इसके पश्चात अनुसंधान के दौरान पूछताछ की गई गहनता से तो एक अरावली बिहार अलवर में एक व्यक्ति का इन्होंने भुला के उसको पहाड़ियों में ले जाकर उस पर पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की घटना भी इन्होंने बताई है, जिसकी तस्दीक कार्रवाई करवाई है। और इस आधार पर एक अन्य मर्डर पिछले साल जनवरी माह में इनके द्वारा और किया गया था। गौरतलब है कि इन्हीं छात्रों ने गांव गोठड़ा निवासी मृतक साहुल को फोन कर चोरी की भैंस देने का झांसा देकर बुलाया था। इसके बाद बदमाशों ने युवक से 19,000 रुपए लूटकर कुल्हाड़ी से हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अभी और भी वारदातों के खुलने की संभावना है।